हेलो यूट्यूब। तो आज हम करने वाले हैं एक एसिड बेस रिएक्शन। बेस के तौर पे मैंने लिया है वॉशिंग पाउडर और एसिड के तौर पे मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड इज 100% प्योर, जबकि ये सही नहीं है। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड है। अगर ये 100% प्योर होता तो मेरा भी हाथ जल चुका होता। तो ये डाइल्यूटेड है, बस ये लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, फेक है, लेकिन ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सबसे पहले हम ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगा इससे। तो पहले हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे डाल के पहले आपको दिखा देता हूँ इसको टेस्ट करके कि कैसा होगा। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने देखा तो ये इस तरीके से होने वाला है। ये कितना ज़्यादा हो गया और ये अभी गर्म हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और आवाज़ भी सुन सकते हैं आप। तो ये रिएक्शन है। अब आगे ये होगा कि ये मैं पूरे ग्लास में ही डाल दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एकदम बाहर आ जाएगा, जैसे एक बेकिंग सोडा रिएक्शन ही होता है वैसे ही। ये देखिए, ऑसम। ओ वो वो देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है। मैं और डाल के देखता हूँ इसके अंदर अभी और होगा। ऑसम लग रहा है यार देखने में। ये स्लोली बाहर आ रहा है क्योंकि ये इसका जो बेस है सर्फ अंदर में होगा, तो मैंने ऊपर से डाला सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसलिए धीरे धीरे बाहर आ रहा है। ये बाकी सभी आ जाएगा धीरे धीरे करके। ये देखिए कितना फैल गया। और ये गर्म भी हो गया है, उतना गर्म भी नहीं है लेकिन हाँ गर्म है। और ये जो प्रोडक्ट बाहर आया है ये सॉल्ट होगा, मतलब एक हाँ सॉल्ट कह सकते हैं, सॉल्ट ही होगा एसिड बेस, तो ये थोड़ा सा नमकीन होगा। मैंने एक बार टेस्ट किया था लेकिन ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब मात्रा ज़्यादा हो, तो ये मेरे मतलब टंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं दोबारा टेस्ट नहीं करने वाला इसको। लेकिन ये हाँ सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। तो देखते हैं इसके अंदर, सारा वॉशिंग पाउडर गायब। एक बार और डाल के देखते हैं। फिर से बाहर आ रहा है। सो इसी के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन डेमोंस्ट्रेशन ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।